राजधानी दिल्ली में सियासी संग्राम जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच मंगलवार सुबह जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी के लगभग 12 ठिकानों पर रेड करती नजर आई, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसी पर आरोप लगाए, जिस पर पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जवाब दिया। आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, क्योंकि देश के पीएम का आह्वान है सरकारी खजाने से लूटी गई एक पाई वसूली जाएगी। राजधानी दिल्ली में सियासी संग्राम जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच मंगलवार सुबह जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी के लगभग 12 ठिकानों पर रेड करती नजर आई, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसी पर आरोप लगाए, जिस पर पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जवाब दिया। कहा कि आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता और मुख्यमंत्री के सचिव विभव कुमार सहित दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े 12 ठिकानों पर पड़े ईडी छापों ने दिल्ली भाजपा के जल बोर्ड में घोटाले के आरोपों को पुष्ट किया है। ईडी छापे हो या कोई अन्य जांच एजेंसी, आम आदमी पार्टी नेताओं का उन्हें भाजपा प्रायोजित बताना उनकी पकड़े जाने की छटपटाहट है। और अब दिल्ली और देश की जनता के आगे केजरीवाल सरकार आप पार्टी का भ्रष्टाचार पूरी तरह उजागर हो चुका है, क्योंकि देश के पीएम का आह्वान है कि सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूली जाएगी। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है, सही मायनों में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूली जाएगी। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जल बोर्ड में घोटाला किया है। तो आज जो ये कार्रवाई चल रही है, एक बार जांच एजेंसी की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इस जांच का हम स्वागत करते हैं। तो वही केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी निशाना साधा है और कहा कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार, जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार और सांसद और आपके कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता के ठिकानों पर जल बोर्ड और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी के पड़े छापे और 5 समन के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के सामने नहीं आए, ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी कोई भी तथ्य पेश नहीं करना चाहती, बल्कि इनके मंत्री जैसे आतिशी इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि मुख्यमंत्री ईडी के सामने कब जा रहे हैं। और जो लोग वायदा करके आए थे कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार कट्टर ईमानदारी का वायदा करने वाले लोगों ने आज कट्टर बेईमान लोग कौन होते हैं उसको परिभाषित कर दिया है। अनंत सूत्र, एक तरफ सिविलाइजेशन का, सभ्यता का, हम वो बातें करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ड्रामा, भ्रष्टाचार, झूठ का जो अनंत सूत्र तैयार किया है, वो लगातार दिल्ली की जनता और देश की जनता जो है उससे परिचित हो रही है। बहरहाल आपको बता दें, बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के घोटाले की राजनीति जनता के समक्ष आ चुकी है। दिल्ली की जनता न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको नकार कर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को सबक सिखाएगी। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। आप सांसद एनडी गुप्ता और मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर ये छापेमारी की गई। ईडी की छापेमारी पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार अपनी ईडी से हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के घर अलग अलग मामलों में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी ने आप नेताओं के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने आप सांसद एनडी गुप्ता, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव समेत कई नेताओं के घर ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को डराने और चुप कराने के लिए ये रेड हो रही है। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है।
हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का, ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई है, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर लगातार जांच एजेंसी को गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में ईडी द्वारा मंगलवार को की गई आप नेताओं के यहाँ पर छापेमारी पर भी आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। बता दें कि मंगलवार सुबह 7 बजे से ही पार्टी से जुड़े लोगों के घर में ईडी की रेड शुरू हो गई थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता और उनके पीए के घर पर ईडी ने रेड की। ऐसे में आप केंद्र सरकार पर हमलावर है और आरोप लगाए हैं कि ये डराने की कोशिश है। देवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की राजनीति में लगातार आम आदमी पार्टी घेरती नजर आ रही है। बीजेपी कई घोटालों के साथ आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वास्थ्य मामले में घोटाले का आरोप दिल्ली सरकार पर लगाया और कहा कि स्वास्थ्य सेवा किसी भी राज्य की रीढ़ होती है। उन्होंने आगे तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि रीढ़ की हड्डी होती है जिसे सरकार ने बर्बाद करने का काम किया। राजधानी दिल्ली की राजनीति में लगातार आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कई घोटाले के साथ आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वास्थ्य मामले में घोटाले का आरोप दिल्ली सरकार पर लगाया है और कहा कि स्वास्थ्य सेवा किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है जिसे इस सरकार ने बर्बाद करने का काम किया। अबकारी घोटाले में ईडी की जांच में 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए की चोरी होने की बात सामने आई है। दवा खरीद में पारदर्शिता का वादा था लेकिन इसमें सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ है कि कुछ लोगों ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाल दिया है और लगातार दिल्ली को अव्यवस्थित करने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, भ्रष्टाचार और ड्रामा जो है वो घंघोर है और इनकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर है, जिसका एक दृश्य कल भी देखने को मिला कोर्ट कचहरी के अंदर कि कोर्ट ने कहा कि 6 CT scan की मशीन्स हैं दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी पर और जब एफिडेविट को चेक किया गया तो वो एफिडेविट भी झूठा पाया गया। लगातार वो लोग जो ईमानदारी कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं। मामले की जांच चल रही है कि जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग का घोटाला सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 30,000 नए बेड की व्यवस्था करने और प्रत्येक 5,000 लोगों पर 5 बेड उपलब्ध करवाने का वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया गया। 900 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाने का वादा किया था लेकिन नए खुलने की जगह पुराने भी बंद हो गए। दवा खरीद में पारदर्शिता का वादा था लेकिन इसमें सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुए। और वो चाहे अगर मैं आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जल बोर्ड की बात करूं, 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं और उन 5 समन्स के जाने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है ईडी के आगे नहीं गए और स्वास्थ्य किसी भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है और ऐसी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की बजाय लगातार बर्बाद करने का काम किया। अभी तक शराब घोटाले में जहां पर 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ से ज्यादा जो है वो ईडी ने आकलन किया है कि पैसा जो है वो चुराया गया है देश का, अभी उस पर जिक्र ही चल रहा था और ईडी के समन्स का जवाब नहीं दिया जा रहा था तो जल बोर्ड के अंदर घोटाला सामने आया। इस समय दिल्ली सरकार कई आरोपों में घिर चुकी है। जहां एक तरफ आप जांच एजेंसी पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी नए घोटाले के साथ आम आदमी पार्टी पर हावी है। देखने वाली बात होगी कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप कितने सटीक साबित होते हैं।
रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।